नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लोग फेमस होने के लिए रील बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कोई जान जोखिम में डाल देता है तो कोई ऐसी हरकत कर जाता है जिससे कि आप भी शर्मसार हो जाएं। एक ऐसी ही घटना हम इंदौर से बताने जा रहे हैं। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर युवा रील के चक्कर में ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। दरअसल मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर शहर का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लड़की रील शूट करने के लिए शहर के पॉश इलाके में ब्रा पहनकर घूम रही थी। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लोग कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। लोगों के कमेंट आने के बाद लड़की ने एक और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें वह बोल रही है कि मानती हूँ कि वो कपड़े नॉर्मल नहीं थे, पर ऐसे कपड़े तो बहुत सी लड़कियां पहनती हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं दिखने में ऐसी लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। उसका कहना है कि मुझे लगता है कि 100-200 चैनलों पर और आऊंगी, मैं एक वीक तक आती रहूंगी, इस तरह मैं ट्रेंडिंग में बनी रहूंगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जिसका भी कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका रिश्तेदार जिसने पुलिस में शिकायत की है तो वो पुलिस को मेरा एड्रेस बता दें, वो मुझसे आकर मिल सकते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद लड़की ने एक और वीडियो बनाकर माफी मांगी है। उसने वीडियो में कहा है कि वह अपनी गलती मानती है, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेगी। युवती ने यह भी कहा कि उसका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन लड़की जिस तरह से माफी मांग रही है इसे लगता नहीं कि उसे इस बात की गिल्टी है। माफी इस लड़की को सिर्फ विरोध के कारण मांगनी पड़ी। मन में नहीं आता जब कोई वीडियो अपलोड करता है और न्यूज चैनल पे तो उसमें फेस क्यों हाइड कर देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस दिखाने में और मुझे पुलिस वगैरह से कोई डर नहीं लगता। आप में से कोई भी, आपका दादा चाचा मामा कोई भी MLA या कुछ भी है, मुझे कोई इशू नहीं है। आप तो मैं चाहती हूँ अगर आप में से किसी को भी मेरी बातें रिकॉर्ड करनी है तो कर सकते हैं। मैं सफाई देती नहीं हूँ फिर भी मैं बताना चाहूंगी। रही बात उन कपड़ों की तो वो मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, और रही बात मेरे कपड़ों की तो मैंने इतने भी बुरे कपड़े नहीं पहने थे। मैंने देखा इंदौर में इससे भी बुरे कपड़े पहनते हैं फीमेल, जो लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं। कि वो वीडियो जो भी वायरल हुआ मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि ऐसे कपड़े बहुत सारे लोग पहनते हैं। रही बात पब्लिक प्लेस की तो पब्लिक प्लेस में ही लोग पहनते हैं, और मैं पुलिस वगैरह से मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है, और अगर मैं डरती होती तो अभी तक डिलीट कर देती उस वीडियो को। रहूंगी ऐसे ही ट्रेंडिंग बनी रहूंगी, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। तो मैं बस सफाई देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं लाइव आई हूँ ताकि आप देख पाए कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट मैं वीडियो बना लिया नॉर्मल, वो तो सभी बनाते हैं। उसमें आपका ये इंदौर का कल्चर कैसे खराब हो गया, आई डोंट नो। उन कपड़ों में ऑलमोस्ट मेरे 200 से ज्यादा वीडियो है, मैंने वो डिलीट कर दी। मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने पहली बार नहीं पहना है, मैं फिनिक्स सिटाडेल और सभी मॉल में पहना है, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ पहना है, ओनली इंदौर की बात कर रही हूँ। मैंने बहुत जगह पहना है और कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे वीडियो से। जैसे मैं दुबई में रहती हूँ, मुझे नहीं पता न्यूज चैनल वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें तो मेरा फेस दिखाना चाहिए। आप में से कोई बता सकते उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया है, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा है कि मैं जीने का कोई हक नहीं है जो सोसाइटी में ये सब करे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पब्लिक में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मैं सॉरी बोल रही हूँ सभी को। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।